आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, जो आपका हक है, उसको लेकर अब एक बड़ा बहस छिड़ गया है और इसकी एक खास वजह है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन से क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन से जो है, आप जो कि टैक्स पेयर है, जो कि नागरिक है, अपने सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि जो टैक्सेस आपने दिए हैं, जो सेस आपने भरे हैं, उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगे हैं, इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है, किस बिना पर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, प्रोजेक्ट कब तक खत्म होगा, प्रोजेक्ट डिले क्यों हुआ है, वगैरह वगैरह। आप कई सवाल सरकारी डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं और सरकारी डिपार्टमेंट को कानूनन इन सवालों का जवाब देना पड़ता है आरटीआई के तहत। अब इसी आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के में जो है, सरकार कुछ बदलाव करना चाहती है और बहुत अहम बदलाव है। मंदार जी, बिल्कुल। और जिस तरह से इसे पुख्ता बनाया गया था, एक तरह से एक स्वायत्तता उसे बहाल की गई थी, तो उसको लेकर भी कई सारे अहम सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सूचना का जो अधिकार लोगों को मिला है पिछले 17 साल से, कविता, इसमें अब तक कोई इस तरह का संशोधन नहीं किया गया था। पहली बार इस तरह का संशोधन सरकार करना चाह रही है। क्या इससे इस कानून के पूरे दायरे पर किसी तरह से बुरा असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये बात हमारे पैनलिस्ट के पास चलते, लेकिन पहले बता दे कि संशोधन क्या है। अब सरकार जो संशोधन करना चाहती है, उसके तहत जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है हर राज्य में और सेंटर में, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर यानी नियुक्ति को लेकर, उनके टेन्योर को लेकर और उनके सैलरीज को लेकर, तीनों में लेकर बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। ये तीनों जो है अब उसकी कंट्रोल अब सरकार के पास जाएगी, केंद्र सरकार के पास जाएगी और इसी मुद्दे को लेकर जो है अब बड़ा बवाल छिड़ गया है। हमारे साथ जुड़े निखिल दे जो कि आरटी एक्टिविस्ट है और अभिषेक मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के लीडर है। शुरू करेंगे यहाँ पर निखिल दे आपसे। समझा दीजिए कि अगर सैलरी, अपॉइंटमेंट और टेन्योर सारा कुछ, उसका कंट्रोल अगर केंद्र सरकार के पास चला जाता है, तो इससे आरटीआई पर यानी मेरे इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन पर क्या असर पड़ेगा? कोई भी अच्छा सूचना का अधिकार का कानून हो, उसकी मूल चीजें सैलरी है, टेन्योर है, उसका स्थिति है और उसके ऊपर उसकी स्वायत्तता है। अब ये एक ऐसी चीज के ऊपर आक्रमण किया है इन संशोधनों के माध्यम से कि ये कोशिश कर रहे हैं कि इसकी रीढ़ की हड्डी को ही कमजोर किया जाए। सूचना आयोग को पूरे देश के नागरिक जो सूचना मांग रहे हैं, वो बड़े बड़े दफ्तरों से सूचना निकलवाना है, वो बड़े बड़े दफ्तरों से निकाल के नागरिकों को देना है। तो इसीलिए कानून में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रेकमेंडेशन पर पूरे पार्लियामेंट ने पारित किया कि इनका स्तर मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के बराबर हो, ताकि वो दर्जा दिया जाए जहां कहीं उनको सूचना लेने से रोक नहीं सके, उनकी पूरी स्वायत्तता भी हो और उनके दर्जा भी उस रूप का हो कि वो निकाल सके। अब सरकार ने क्या किया है, और यही बीजेपी भी थी इसको पूरे तरीके से पारित करने में, और अब क्या कर रहे हैं कि एक कानून के एक हिस्से और दूसरे हिस्से को नहीं बदलने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पहले किया, लेकिन उसके रीढ़ के हड्डी को ही कमजोर कर रहे हैं। तो यदि केंद्रीय सरकार तय करेगी राज्य के आयोगों को और केंद्रीय आयोगों को कि क्या उनकी तनख्वाह होगी, क्या उनका दर्जा होगा, क्या उनकी टेन्योर होगी, तो बिल्कुल उनके नीचे और उनके अधीन हो जाएंगे, और जो सबसे शक्तिशाली चीज़ है जो इस कानून को चला सकते हैं, उसको ही बिल्कुल कमज़ोर कर देंगे, दंथहीन कर देंगे। मिश्रा, जो जाहिर तौर पर जिस तरह से चर्चा चल रही है और खास करके जो सबसे जो सूचना अधिकार के जो मुखिया जो है उनका जो पूरा ढांचा है, उस ढांचे को अगर इस तरह से कमज़ोर करने की बात अगर लोग कह रहे हैं और उस कमज़ोरी के ऊपर आक्षेप जता रहे हैं, तो सरकार का इसके ऊपर क्या कहना है, सरकार ने किस तरह से अपना पक्ष रखा है? उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है, एक दो मुख्य पॉइंट में बता दो मंदार जी, और जो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है ये 100% झूठ और बेसलेस है, उल्टा सत्य कुछ और है।
और सत्ता जान के शायद निखिल दे जी को कुछ जो है मेरे लगता है कि समझ में आएगा। पहली बात, जब कांग्रेस ने एक्ट बनाया था उन्होंने सेक्शन 27 जो डील करता है टेन्योर और सैलरी के विषय में उस पर कोई उन्होंने कुछ पारित नहीं किया था। अब उसके अनुसार क्या है, एज पर RTI एक्ट 2005, ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट में पढ़ के सुना रहा हूँ, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इक्वल टू चीफ अपना इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब दिस इज एन प्रॉब्लम एंड इसमें एक विरोधाभास ये है, एनोमली ये है कि इलेक्शन कमीशन इज अ स्टैचुरी बॉडी वाइल द सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो एक स्टैचुरी बॉडी के हेड को, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सुप्रीम कोर्ट और इससे इक्वेट कर रहे थे, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ये इसको रेक्टिफाई किया गया है, यू कैन नॉट मेक अ स्टैचुरी बॉडी हेड इक्वल टू, आप एक स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर कर गए, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है सुप्रीम कोर्ट जज एंड स्टैचुरी पोस्ट है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो उस टाइम इस पर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा, सेक्शन 12(4) ऑफ द एक्ट विच एश्योर ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द एक्ट इज नो वे टच्ड। तो सेक्शन 12(4) इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी पे कोई हाथ नहीं दिया गया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि ऑटोनॉमी पे कोई है, ऑटोनॉमी से कुछ नहीं इसका लेना देना है जो अभी संशोधन हुआ है। दूसरा, सिमिलरली सेक्शन 12(3) डीलिंग विद जो इनके नियुक्ति होती है अपॉइंटमेंट, उसको भी नहीं छुआ गया है। केवल सेक्शन 27 को विच डील्स विद द सैलरी और टेन्यूर, तो सैलरी और टेन्यूर फिक्स करने की कोई प्रावधान तो होगा। आप सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर कर गए लेकिन संवैधानिक रूप से वो संवैधानिक पद है नहीं, कोई तो सिस्टम बनाओगे ना आप। हमने ना ऑटोनॉमी छुआ है, हमने ना अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को छुआ है, कांग्रेस सरकार ने जो गलती की थी, एनोमली की थी, उसको रेक्टिफाई किया है। हमने ऐप दिया है जिसमें आप RTI फाइल करके चेक कर सकते हो। निखिल दे जी का मैं सम्मान करता हूँ, आई डोंट नो इनके बारे में ज्यादा, लेकिन फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। निखिल दे को भी हम सवाल करेंगे, आपको सबसे पहले उसके दो सवाल करना चाहेंगे। एक तो अहम बात यह है कि आपने कहा है कि आप बहुत बड़ा ढांचा उसमें बदलाव नहीं कर पा रहे और खास करके जो उसकी ऑटोनॉमी है उसे भी आप हाथ नहीं लगा रहे, लेकिन जिस तरह से टेन्योर बदलने की बात है, रिमूवल की जो प्रोसेस है जिसमें खास करके सेंटर का जो रोल होगा इसके बारे में भी कई सवाल उठ रहे हैं। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस का नाम लेकर आपने जो कहा कि यहाँ पे इस तरह से पारित हुआ था, लेकिन इसमें जब पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी और जिसमें जिसके रिकमेंडेशन के ऊपर से ये पूरा सूचना अधिकार सामने लेके आए थे, उसमें उस वक्त राम जेठमलानी जी थे और बाल आपटे जी थे और बीजेपी के ही रामनाथ कोविंद जो कि आज हमारे राष्ट्रपति हैं, तो ये तीनों भी वहाँ पे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एडहॉक तौर पर ये कानून लाया गया था, बड़ा सोच विचार करके लाया था, 17 साल तक ये कानून चलता रहा और अब इसमें बदलाव लेके आया है। नहीं, मंदर जी, एक लाइन, इसमें एक बहुत स्पष्ट है, ठीक है, द प्रेजेंट अमेंडमेंट बिल सीक्स टू अमेंड सेक्शन 27 ऑफ RTI एक्ट 2005 जब कांग्रेस सरकार थी, बिकॉज इन ऑर्डर टू ऑथराइज द गवर्नमेंट टू फ्रेम रूल फॉर द टेन्योर एंड टर्म्स ऑफ कंडीशन फॉर द इन्फॉर्मेशन कमिश्नर विच हैड नॉट बीन फ्रेम्ड ड्यूरिंग द वाइल मेकिंग RTI एक्ट 2005 बाय द यूपीए गवर्नमेंट। यूपीए गवर्नमेंट ने एक चीज बताइए, बिना एक कोई ऑथराइजिंग एजेंसी के बगैर जो टेन्योर का रूल ही नहीं होगा, तो इन द फ्यूचर देयर विल बी अ केओस, देयर हैज टू बी समबडी टू ऑथराइज द टेन्योर, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी। हेंस 2005 में जो नहीं किया, बहुत स्पष्ट है भाजपा का स्टेटमेंट, विच हैड नॉट बीन फ्रेम्ड द टेन्योर रूल्स फॉर टेन्योर। अरे टेन्योर का कोई रूल तो होगा मंदार जी, सरकारी व्यवस्था है, कोई रूल तो होगा टेन्योर फ्री करने का, इतना ही किया है ना, ऑटोनॉमी चेंज किया है हमने, उल्टा मोबाइल ऐप खोला है कि RTI देखिए, RTI फाइल कीजिए, हमने उनको आजादी दी है, 24/7 पोर्टल खोला है, हमने जितना RTI के लिए किया है हमने शायद इनसे 10 गुना ज्यादा किया है, परंतु हमने केवल टेन्योर फिक्स करने के लिए एक सरकार को प्रावधान दे दिया, तो उसके निखिल देखो लग रहा है कि ओ गॉड ओ ऑटोनॉमी छू लिया। अरे ऑटोनॉमी नहीं छुआ है, कांग्रेस ने भूल गई सरकार होते हुए कि टेन्योर फिक्स करना पड़ता है, टेन्योर के रूल्स होते हैं। अभिषेक मिश्रा, जब से RTI एक्ट बनी है तब से लेकर अब तक हर साल को देखे तो सबसे ज्यादा RTI एप्लीकेशन के रिजेक्शन जो है वो भी आप ही के टेन्योर में हुआ है। 2014-15 में 22% RTI एप्लीकेशन को खारिज किया गया, रिजेक्ट किया गया। 2015-16 में 20% RTI एप्लीकेशन को जो है रिजेक्ट किया गया। चलेंगे यहाँ पर निखिल दे के पास। निखिल दे,
अभिषेक मिश्रा सीधा सीधा बता रहे कि यहाँ पर सरकार कुछ नहीं करना चाह रही है, सिर्फ टेन्योर फिक्स कर रही है, सिर्फ टेन्योर के रूल्स फिक्स कर रही है और जो एमोल्यूमेंट्स है, जो सैलरीज है, वो फिक्स कर रही है, वो काम जो कि पिछले सरकार नहीं कर पाई। तो इससे आरटीआई के एक्ट पर, ऑटोनॉमी पर किस तरह असर पड़ेगा? बहुत स्पष्ट बात यह है कि 15 साल से ये कानून चल रहा है और ऐसी कोई बात नहीं, कोई पहाड़ नहीं गिरा है, ये कानून चलते रहा। हर साल 40 से लेकर 60 लाख लोग अर्जियां डालते हैं, 40 से 60 लाख एप्लीकेशंस डालते हैं, बहुत सारा चल रहा है और बीजेपी ने भी इस कानून की तारीफ की, आज भी कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं जब कि केवल धारा 27 बदला गया, ऐसा नहीं है, धारा 13, 16 और 27 और 13 और 16 एक्ट के ये हिस्से हैं जो कहते हैं कि कानून ही टेन्योर तय कर रहा है। अब आप कानून से टेन्योर तय करने को हटा के सरकार टेन्योर तय करे, सरकार तनख्वाहें तय करे, सरकार तय करे कि कितने समय रहेंगे और सरकार दर्जा तय करे, तो बिल्कुल उसकी स्वायत्तता चली गई, ऑटोनॉमी चली गई, दर्जा चले गया। जब आप कह रहे हैं, और यदि अभिषेक जी को और बीजेपी को लगता है कि नहीं नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को के बराबर नहीं करना चाहिए था, कानून में सोच समझ के, वही जो आपने सही बोला, माननीय राष्ट्रपति जी भी उसी कमेटी में थे, जो वर्तमान में राष्ट्रपति साहब हैं वो भी उसी कमेटी में थे और सर्वसम्मति उस कमेटी ने कहा, आगे बढ़ के कहा कि इनका दर्जा आप इलेक्शन कमिश्नर के बराबर करो ताकि इनकी सहायता बनी रहे, और वो पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पारित किया। अब उसका अमेंडमेंट करके रूल से, ताकि सरकार ही तय करेगी कि कितने समय रहेंगे, तो बिल्कुल ये कानून की जो स्वायत्तता है, बिल्कुल बात ये हम समझ सकते हैं कि जो तनख्वाह तय करेगा, जो टेन्योर तय करेगा, वो कंट्रोल करेगा जी, और इस कानून में बड़ी बड़ी चीजें जो निकालनी है वो बहुत परेशानी में आएगी जी। निखिल दे, जैसे निखिल दे कह रहे हैं, अगर तनख्वाह और टेन्योर और अपॉइंटमेंट कोई तय करता है तो कंट्रोल किसके हाथ में है, वो साफ बात है। और एक और बात यहाँ पर हमारे दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है मंदार, और वो ये कि जब भी किसी बिल में संशोधन होता है, कि जब भी किसी कानून में संशोधन होता है, तो उसका एक पब्लिक डिस्कशन का एक प्रोसेस होता है। और इतना बड़ा कानून, इतना अहम कानून, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपका मेरा हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जब संशोधन लाने की बात हुई, तो इस संशोधन पर पब्लिक में किसी तरह की चर्चा या बहस नहीं किया गया है जी, बिल्कुल। और साथ साथ ये भी बताया दे कि ये जो आरटीआई एक्ट है पारदर्शिता के लिए है, और पारदर्शिता से अगर परे होकर इस तरह से संशोधन लिया जाएगा तो फिर उस संशोधन के ऊपर कई सारे सवाल भी उठेंगे और उन सवालों को ठीक से पूछना भी पड़ेगा और उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ, मेरा नाव पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।